बच्चों, चंद्रा क्लासेस की तरफ से मैं डॉक्टर ए के मिश्रा आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये साल 2021 गुजर रहा है, न जाने कितनी सफलताओं असफलताओं की मीठी खट्टी यादें लिए हुए गुजर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग एक ऐसे झरने के नीचे खड़े हैं जहाँ से ठंडी और गर्म धाराएं दोनों गिर रही हैं, एहसास के दोनों धरातल हैं। आप में से न जाने कितने ऐसे होंगे जो सफल नहीं हुए होंगे, न जाने कितने ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर चुके होंगे। तो इसमें कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने साथ बने रहिए, अपने साथ चलते रहिए। अभी आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ एलटी जीआईसी। आपको आश्चर्य हो रहा होगा इतने सारे एग्जाम्स के नाम लिख दिए गए हैं। क्या इन सब की पढ़ाई एक साथ हो सकती है? क्या इन सब को एक साथ पढ़ा जा सकता है? देखिए, हिंदी साहित्य का जो फलक है, फैलाव है, वह बहुत अधिक है। भाषा विज्ञान भी है, व्याकरण भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, और महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों की संघर्ष यात्रा भी है, उनकी रचनाएं भी हैं। एक बड़ा सा संसार आपके सामने है। मैंने अभी कहा कि क्या इन सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ की जा सकती है? देखिए, यह इसलिए संभव है, मैंने कहा कि यह सब कुछ इसलिए संभव है कि जो परीक्षा परीक्षा ना कहें बल्कि प्रतियोगिता कहें, परीक्षा और प्रतियोगिता में अंतर होता है। परीक्षा में पास और फेल होता है, प्रतियोगिता में न कोई पास होता है न कोई फेल होता है, सब पास होते हैं। हाँ, मेरिट जब बनती है तो जो मेरिट में आते हैं उनका चयन हो जाता है, जो मेरिट में नहीं आते उनका चयन नहीं होता है, वहाँ पास फेल कुछ नहीं होता। तो प्रिय प्रतियोगियों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रतियोगी, जो छात्र टीजीटी पीजीटी एलटी दे रहा है, जीआईसी दे रहा है, वही बच्चा जेआरएफ और नेट भी दे रहा है। या यूं कहें कि जो बच्चे जेआरएफ और नेट दे रहे हैं वही बच्चे जीआईसी भी दे रहे हैं, वही बच्चे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की परीक्षा पीजीटी टीजीटी भी दे रहे हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि कंपटीशन का बढ़ जाना। अब आप सोचिए, आप उन्हीं बच्चों के साथ बैठे हैं, मैं विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी वालों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आप उन्हीं बच्चों के साथ बैठकर एग्जाम दे रहे हैं जो बच्चे जेआरएफ और नेट की तैयारी कर रहे हैं। इवन मैं आपसे यहाँ तक कहना चाहूँगा कि वे बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो पीएचडी कर चुके हैं। तो अगर आयोग अपने प्रश्न पत्रों में गहराई, तुलनात्मकता और अंतरिक्षण की प्रवृत्ति नहीं लाएगा तो फिर फैसला कैसे होगा? तब तो
मात्र टीजीटी देने वाला बच्चा बाहर हो जाएगा, जेआरएफ और नेट देने वाला बच्चा आ जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि इन गुजरते सालों में मेरी एक सलाह है, अपनी तैयारी का, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, पता नहीं आपके जहन में है कि नहीं, अपने प्रिपरेशन का, अपनी तैयारी का तरीका बदल दें, जिससे कि आने वाली जो चुनौतियां हैं उनमें आप उन बच्चों से भी मुकाबला कर सकें जो बच्चे जेआरएफ और नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी कर चुके हैं, उन बच्चों के साथ आप भी शामिल हो जाएं, उन्हें भी चुनौती दे सकें, ठीक है, उनमें भी अपनी सहभागिता बना सकें। तो इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य रूप से अगर तीन हिस्सों में पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को बांटा जाए तो पहला हिस्सा तो आता है हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास, ठीक, ये एक बड़ी यात्रा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास एक बड़ी यात्रा है जो आदिकाल से शुरू होती है और आज तक चली आ रही है। आप इसका अध्ययन करते हैं, यहां से सवाल आपके पास आएंगे। दूसरी चीज, रचनाकार और रचनाएं, तीसरी चीज है भाषा विज्ञान यानी भाषा का विकास, और व्याकरण। ठीक, मोटे मोटे तौर पे ये तीन हिस्से आप बना सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था के लिए विभाजन करना ही पड़ेगा। देखिए, जीतता वही है जिसकी रणनीति बढ़िया होती है। सिर्फ लड़ने से कोई जीतता नहीं है। ठीक उसी तरह चयन उसी का होता है जिसके पास एक प्लानिंग होती है, प्रबंधन की कला होती है। सिर्फ प्रिपरेशन से प्रोडक्शन नहीं होता। तो कृपया इतने बड़े संसार को हिंदी भाषा का विकास, व्याकरण, रचनाकार, रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, इतने बड़े संसार को आप कैसे मैनेज करते हैं, आपका प्रबंधन कैसा है, आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे और अगर ईमानदारी से स्वीकार करें तो अभी हाल के कुछ महीनों में, विगत 6-7-8 महीनों में जो परिणाम आए हैं और जो परीक्षाएं आपने दी हैं, बहुत धीरे से आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें बदलाव हुआ है, और आने वाले 2022 में बदलाव की और तैयारी है। इसलिए इन गुजरते हुए सालों में, इन गुजरते हुए पलों में आप यह अच्छी तरह समझ लें कि आपका चयन क्यों नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, अगर तो आप सबसे पहले आए हुए प्रश्न पत्रों में
आप ये जानने का प्रयास करें कि आखिर कौन से सवाल एकदम नए तरीके से आ गए हैं। भाई ये तो ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, ये तो एक बिल्कुल एक कह सकते हैं कि बंधा बंधाया सा संसार है जिसको पढ़ाने में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो लिखा हुआ है वही पढ़ाया जाएगा, चाहे आप पढ़ लें चाहे कोई आपको पढ़ा दे। ध्वनि व्यवस्था, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये तो आप पढ़ भी सकते हैं और पढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, पढ़ाया भी जाएगा। हाँ, पढ़ाने में यह है कि समझाते हुए पढ़ाया जाए, तब थोड़ा सा रास्ता आपका आसान हो जाता है। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सबसे पहले यह बताएं कि सर्वनाम क्या है, यह शब्द है क्या सर्वनाम। अगर हम पर्यायवाची बताएं तो हम बताएं कि पर्यायवाची ये है क्या। तत्सम बताएं तो बताएं कि सबसे पहले तत्सम, तत्सम है क्या। तो समझाते हुए अगर हम पढ़ें, समझते हुए हम पढ़ें, समझाते हुए हम पढ़ाएं, तो कुछ चीज़ें इसमें नई हो सकती हैं। जैसे कि आपके सामने एक व्यंजन है, व्यंजनों का ख गागा सब पढ़ते हैं आप, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनको युद्ध का वर्ण कहा जाता है, परुष वर्ण कहा जाता है, टा ठा डा ढा रा, द्वित व्यंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है युद्ध के दौरान। अब ये सवाल ऐसा मैंने आपको सामने रख दिया जो अंदर से घुस करके मैंने आपसे पूछ लिया। रा का प्रयोग, ना की जगह रा का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ हुआ है? तो वही मैंने कहा कि आप रटने से बेहतर है कि साथ साथ समझते चले, समझते चले। प्रारूप बदल रहा है, मैं सचेत कर रहा हूँ इन गुजरते पलों में, इन गुजरते क्षणों में। आपसे पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। कोई भी पंक्ति, कामायनी की, आंसू की कोई पंक्ति दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रसाद की किस रचना की पंक्ति है। तो अगर पहले भी पूछा जाता रहा है तो आपको गहराई में जाना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मधुलिका प्रसाद जी की किस कहानी की पात्र है, तो थोड़ा सा अंदर जाके देखिएगा, है ना, पुरस्कार कहानी की। गोदान की वह कौन सी नारी पात्र है जिसने दहेज प्रथा का विरोध किया था 1936 में? तो आपने देखा प्रश्न को ट्विस्ट किया गया। हाँ, गोदान किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा। कब लिखा? 1936 में लिखा। ये तो कोई भी पढ़ा देगा, आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप प्रश्नों के अंदर जाएंगे, प्रश्नों के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे, तब दिक्कत आएगी। पूछ लिया जाए आपसे कि मोहन राकेश से किस नाटक के नायक का नामकरण किसी प्रसिद्ध कवि के आधार पर किया गया है? असार का एक दिन नाटक है, नायक है कालिदास। तो इस तरीके से मैं इसलिए वानगी आपको दे रहा हूँ, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आने वाले समय में तौर तरीके अपने बदलें, क्योंकि आपके बगल वाली टेबल पर
वह लड़का भी बैठा है जो जेआरएफ दे रहा है, आप भी बैठे हैं जो आप ना आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है ना आपने नेट क्वालिफाई किया है, आपने एक तैयारी की है, लेकिन घबराए नहीं। मैंने आपको घबराने के लिए बात नहीं कही है, मैंने कहा है उठिए जागिए और उनका मुकाबला करिए। चुनौतियां जितनी ही बड़ी होती हैं, चुनौतियां जितनी ही बड़ी होती हैं, आप उतने ही ऊर्जावान होते हैं। तो मानकर चलिए कि आपको भी उतना ही व्यापक पढ़ना है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मेरी बात मान लें, उस व्यापक स्तर पर तैयारी करें, कल आप जब जेआरएफ देंगे तो पीजीटी भी क्वालिफाई करेंगे और जेआरएफ भी क्वालिफाई करेंगे आप, अलग से जेआरएफ देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक वैसे ही कि जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो तो आपकी बगल बैठ करके आपका सिर दर्द बना हुआ है। तो आप भी अगर उसी रूप में तैयारी करना शुरू कर दें तो आप पीजीटी भी क्वालिफाई करेंगे, आप टीजीटी भी क्वालिफाई करेंगे, आप लेक्चरर भी बनेंगे और कल आप जेआरएफ भी क्वालिफाई करेंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी आप पाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं उन बच्चों से सीधा संवाद करना चाह रहा हूँ और कर भी रहा हूँ जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ नोट्स रखते हैं, नोट्स का इंतज़ार करते हैं और वो चाहते हैं कि उतने ही नोट्स में से सब आ जाए। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दुनिया का कोई शिक्षक, कोई भी पुस्तक लिखने वाला ये दावा नहीं कर सकता कि जितना नोट्स वो दे दे वही सब कुछ है। जैसा कि भ्रम फैलाने वाले अध्यापक कहा करते हैं कि मेरा नोट्स ही सब कुछ है। इस बार टीजीटी की परीक्षा देने के बाद बच्चों के सामने वो नोट्स रखा हुआ था और बच्चे देख रहे थे। कोई पुस्तक लेखक ये दावा नहीं कर सकता कि सारे सवाल मेरी पुस्तक से आएंगे, और अगर करता है तो गलत कहता है, आपको चीट करता है, आपको भ्रम में डालता है। इसलिए मेरा अनुरोध है और मेरा आदेश भी है, निर्देश भी है कि हम लोग मिलजुल कर पढ़ें, एक अपना नोट्स बनाएं। सिर्फ हमारे नोट्स पर आप डिपेंड ना रहें, हम कौन से बड़े ऐसे एक भविष्यवक्ता हैं कि हम कह देंगे यही आएगा तो यही आएगा। हम तो एक उदाहरण दे करके आपको बता देंगे कि इसमें ये अलंकार है, एक उदाहरण दे करके हम बता देंगे कि इसमें ये रस है, एक उदाहरण देके बता देंगे कि इसमें एक समास है। कि कोई जरूरी है कि वही उदाहरण परीक्षा में आपके आए? ये अनिवार्य नहीं है। कोई कहता है तो वो गलत कहता है। इसलिए आप लोग अपने तौर तरीकों को बदलें। विशेष रूप से वे बच्चे जो गांव से शहर की ओर आते हैं और शहर में उनके अंदर एक भर दिया जाता है कि तुम्हें अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैं पढ़ा दूं वही सब कुछ है। कितनी मूर्खतापूर्ण काउंसलिंग है आज के संस्थानों की, और कितना मूर्खतापूर्ण वादा है आज के शिक्षकों का। अभी भी बच्चा आया है और आपने कह दिया कि आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे, वो पढ़ने आया है और आपने कह दिया आपको पढ़ने कोई ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल ज़रूरत है, बिना आपके पढ़े आपका चयन नहीं होगा। मैं एक मिश्रा आपका मार्गदर्शक हो सकता हूँ, आपका नियामक नहीं। मैं अकेले आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता, चलना आपको है, थकान आपके पांव में आएगी, छाले आपके पांव में पड़ेंगे, मेरे नहीं।
हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, कोई संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रा क्लासेज ये कर सकता है कि थकान हो जाए तो आपको पाँव दबा दे, चलो बेटा थकान दूर हो गई, अंधेरा हो जाए कैंडल लाइट जला दे, चलो उजाला हो गया, चलो बेटा, इससे अधिक नहीं कर सकता वो, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने का सुख आप भोगेंगे, हम तो सिर्फ दूर खड़े हुए दर्शक होंगे। इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि अपने तैयारी करने के तरीकों में थोड़ा सा फर्क ले आएं, और अगर चंद्रा क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये तौर तरीका बदलना होगा, अन्यथा हमें ना लाइक करें और ना हमें देखें। इसलिए कि हमारे इंस्टीट्यूट का जो मोटो है वह यह है कि आपकी सफलता तक हम आपके साथ रहेंगे, आपको हमसे दूर जाना है, हर चौराहे पर हर वर्ष हर महीने मिलने की जरूरत नहीं कि सर अभी हुआ नहीं अगले साल होगा, इस साल क्यों नहीं होगा, लेकिन तरीका बदलिए। मैं सचेत कर रहा हूं इसलिए कि यह वर्ष गुजर रहा है, ठीक है, और मैंने एक लाइन अभी आपसे कही है कि अगर पीएचडी किया हुआ लड़का, जेआरएफ और नेट किया हुआ लड़का पीजीटी में आपके बगल बैठा हुआ है, तो आप अगर उसी लेवल की तैयारी करें तो आपका पीजीटी में भी होगा और जेआरएफ और नेट में भी होगा। सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर आप केंद्रित ना रहें, हमारी मदद करें, हम बिना आपकी मदद के कुछ नहीं कर सकते, एक अच्छा विद्यार्थी ही अच्छे शिक्षक का निर्माण करता है। जब आप जागरूक होंगे तो हमें रात रात पढ़ना पड़ेगा, आप लिखें, दिखाएं, प्रश्न पैदा करें, भेजें हमारे पास, हम उत्तर ढूंढ कर बताएंगे, अगर तुरंत नहीं बताएंगे तो हम ढूंढ कर बताएंगे। कोई ऐसा शिक्षक नहीं जो ये कह दे हमें सब आता है, और यह भी बता दें आपको कि पूरे के पूरे पाठ्यक्रम पर नजर रखिए और हमेशा ध्यान रखिए इस वर्ष कहां से सवाल और किस तरह के सवाल पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक इकट्ठा करके करने से काम नहीं चलेगा, संभावनाओं पर विचार करिए, संभावनाएं आपके क्वेश्चन पेपर में दिख रही हैं और उसके अनुरूप आप अपनी तैयारी करने का प्रयास करें। ये मेरा पहला लेक्चर है इन गुजरते सालों में। अब अगले लेक्चर में हम और अंदर प्रवेश करके हिंदी साहित्य के इतिहास पर आपसे चर्चा करेंगे, हम बताएंगे आपको कि साहित्य क्या है, इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास कैसे हुआ है, नामकरण क्यों किया जाता है, नामकरण क्यों किया गया, इन तमाम मुद्दों पर हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे। लेकिन चलते चलते फिर याद दिला रहा हूँ, तरीका बदलें, और चुनौतियों को स्वीकार करें। ऑल द बेस्ट।